हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र में लॉकडाउन चालू है, तो उस वजह से किधर बाहर नहीं जा सकते हुए, तो इसीलिए मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं करूँगा ना ही किधर घूमने जा रहा हूँ। तो आज जा रहे हैं हम लोग सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लिए, घर का कुछ सामान लेने का है और दीदी का भी कुछ सामान चाहिए था इफ्तारी के लिए, कुछ स्पेशल चीज आइटम बना रही है तो फिर वो लेने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिमांड, ना ही किधर घूमने जा रहे। तो अभी होप कि उधर ज़्यादा लंबी लाइन ना हो, तो सुबह जब भी जाते हैं 7 बजे से आसपास तो बहुत लंबी लाइन रहती है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट जा रहे हैं अभी 9:30 बजे। तो चलो चलते और देखते, और ज़्यादा धूप लग रहा है इसके वजह से मेरी आँखें छोटी हो रही है और ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो टेंशन मतलब इग्नोर करना। तो अभी फटफट चलते और देखते, और मास्क इज इम्पोर्टेंट, अगर ये नहीं रहा तो वो अंदर नहीं लेगा और हमको फालतू खर्चे करने नहीं है। तो चलो फटफट चलते। आज हमारे साथ है सलीम भाई। सलीम भाई नाच के दिखाओ, ये बॉय। तो अभी ज़्यादा लाइन नहीं है तो फटफट जाते और सामान ले लेते, वरना क्या पता, कुछ भरोसा नहीं, कभी भी लाइन बढ़ सकती है। चलो चलते। खातना मेरे को दिखा, अभी टाइमिंग जो है 10:30 to 10:40, तो चलो फटफट जाते हैं, इधर टाइम पास नहीं करना है। ये जो चीज़ चाहिए थी वो तो नहीं मिली, अभी दूसरे जगह पे जाके देखना पड़ेगा, बाकी सब सामान तो ले लिया। तो अभी हम लोग सीवुड्स में, अभी बेलापुर वाला डीमार्ट चेक करते, होप कि उधर मिल जाए। चलो, अभी हम लोग ने एक गलती कर दी है, डार्क चॉकलेट मिल तो गया था पर हम लोग ने गलती ये किया है कि वो ऑफिस से रख दिया है कि बेलापुर में देख ट्राई करते, पर अभी इधर लाइन लगना चालू हो गया, तो अभी लाइन लगना चालू हो गया तो होप कि उधर लाइन ना रहे और उधर ही मिल जाए। चलो चलते और। तो ये चाहिए था जो कि हमको डीमार्ट में नहीं मिला, तो इस वजह से हम लोग बेलापुर जा रहे थे, पर नसीब अच्छी थी हमारी जो कि हम लोग ने ये देखा टॉप, ये तो मालूम ही था मेरे को इधर मिल सकता था, तो इस वजह से हम लोग ने ले लिया। और ये शॉप का नाम है अजवा, इधर टूटी फ्रूटी भी मिल गया और डार्क चॉकलेट भी मिल गया कंपाउंड का। तो अच्छा काम हो गया, तो अभी डायरेक्ट घर पे जाते हैं और बहुत धूप हो रही है। चलो अभी घर पे जाके थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपने देखा हम लोग डीमार्ट से निकल के फटफट निकले थे और एक छोटा सा काम था, तो उस वजह से उधर भी जाना पड़ा, तो अभी घर पे आ गए। बहुत ज़्यादा धूप थी, पसीना हो गया थोड़ा बहुत, तो अभी फटफट घर पे जाते, फ्रेश होते और सोते, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते। तो जैसे कि देखा आपने, हम लोग अभी घर आए थे तो फिर मैं बहुत थक गया था, मैं सोने वाला था, तो सोने जा ही रहा था कि फिर याद आया कि 1 बजे शालमेंद्र लोग से मिलना है, तो अभी कुछ 12 ही बज रहा है तो इसलिए सो रहा नहीं हूँ, 1 घंटा बाकी है। तो नहाते फ्रेश होते
तभी तक YouTube देखते, फिर जैसे ही फ्री हो जाओ मतलब 1 बज जाएगा तो बाहर निकलते और ब्लॉग कंटिन्यू करते। जल्दी आना, चम्मच लाया लाया ना। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, मेरे को 1 बजे कुछ काम है सालविन के साथ, वो जो बाहर जाना है। तो 1 बजे तो हम लोग निकल नहीं पाए, 2 या 2:30 बजे निकले, उस वजह से वो काम पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद सालविन भी घाई घाई से निकला था, मेरे वजह से लेट हो गया, तो वो कुछ खा के भी नहीं निकला था। तो फिर एक रेस्टोरेंट खुला था तो हम लोग उधर गए, ऑर्डर किए, और वैसे भी उधर बैठ के खा नहीं सकते थे, टेक अवे सिर्फ चालू है ना। और वो बंदे ने ना ही चम्मच दिया ना ही कंटेनर में दिया, तो उसने कुछ पॉलीथीन थैली जैसी थी उसमें पैक करके दे दिया। तो उस वजह से खाने का भी मन नहीं कर रहा था। सालविन बोल रहा था घर पे जाके खाता हूँ, तो मैं बोला इतना दूर से मेरे लिए आया है। तो मैंने आदि को फ़ोन किया था, आदि उधर ही रहता है सीवुड्स में, तो आदि को बोला कि चम्मच लेके आ जा। तो वो आया तो सालविन ने उधर ही थोड़ा सा अच्छा जगह देख के बैठ के खा लिया। और उसके बाद उसकी मम्मी का कॉल आ रहा था कि अर्जेंट काम है, तो उस वजह से वो उधर चले गया। और मेरे को एक व्लॉग कंटिन्यू करने का था वो BMW पे, तो मैं वो व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए मैं वर्कशॉप पे आ गया। तो बस अभी वो व्लॉग कंटिन्यू करते, और पर वो व्लॉग अलग रहेगा, इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, ये व्लॉग अलग से इधर ही एंड करते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लीव अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब। तभी तक के लिए टाटा बाय बाय। ये चम्मच चाहिए नहीं, पासिंग करेंगे भाई। ये लोंडा ऐसा है, ये देखो इसमें खाएगा अभी ये। चम्मच देगा, चम्मच किधर है? और शेजवान चटनी, अरे वो तो डालेंगे कैसे भी उसमें, पेरी पेरी करना पड़ेगा उसका। गुड बॉय।